हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक एंड ऑटो चैनल में आप सभी का वापस से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, टाइटल में आपने पढ़ लिया होगा और वीडियो में आपने पिक्स से देख के कन्फर्म कर लिया होगा। जी हाँ, ये वीडियो होने वाली है बजाज की अपकमिंग बाइक के ऊपर, जो कि है बजाज पल्सर 250। जी हाँ, बजाज ने अपनी 250cc को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का मन बना लिया है और बाइक आपको इंडियन मार्केट में बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आपने वीडियो के पिक्स में देखा है कि बजाज ने इस बाइक की ऑन रोड टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया है और ये बाइक आपको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी टाइम से बजाज ने कोई नई बाइक लॉन्च नहीं करी इंडियन मार्केट में, तो ये उसकी एक बिल्कुल नई बाइक होने वाली है 250cc के सेगमेंट में और काफ़ी सारी 250cc की बाइकों को काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली है। बाकी अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँगा तो इसके प्राइसिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं 250cc की बाइक के ऊपर। तो चलिए गाइस, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इसका जो इंजन टाइप होने वाला है वो ऑयल कूल्ड सिलेंडर सिंगल सिलेंडर होने वाला है। बाकी इस बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको 249cc का देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसके जो फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक होंगे आपको डिस्क में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो इस बाइक का बॉडी टाइप होने वाला है, स्पोर्ट्स नेकेड बाइक होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी लुक्स के मामले में। ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा बाइक बहुत अच्छी होने वाली है। बाकी बाइक जो आपको माइलेज प्रोवाइड कराएगी वो आपको शायद इस बाइक की 30-35 किलोमीटर पर लीटर की देखने के लिए मिल सकती है। 250cc के सेगमेंट की बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज है। बाकी अगर इसके ओवरऑल फीचर्स के बारे में बात करी जाए तो इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, तो ब्रेकिंग तो इसकी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। बाकी मोबाइल कनेक्टिविटी शायद आपको इस बाइक में देखने के लिए मिले। जी हाँ, आपको इस बाइक के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी जैसा फीचर भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बजाज को भी इंडियन मार्केट के अंदर रहना और ये सारे अपग्रेडेड वर्जन है और अपग्रेडेड फीचर्स हैं अपग्रेडेड बाइक्स के अंदर। तो हाँ, शायद बजाज ये फीचर अपनी नई बाइक के अंदर लॉन्च करें। बाकी इसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडियो मीटर और ट्रिप मीटर आपको डिजिटल देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल बाइक में आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाली है ये बाइक। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो ये बाइक आपको 1,40,000 to 1,55,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे देखने के लिए मिल सकती है। बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है 250cc के लिए। ये प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि आपको पता ही है कि बजाज की बाइक्स की जो प्राइसिंग होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी इसमें आपको ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा, 6-speed गियर बॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल बाइक में बहुत सारे नए नए फीचर्स और नई पावर होने वाली है। बाइक की अगर मैं BHP की बात करूँ तो इसमें आपको 24 BHP की पावर देखने के लिए मिलेगी इस बाइक के अंदर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एक 250cc की बाइक के लिए। बाकी अगर इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको हेडलाइट LED देखने के लिए मिलेगी और टेल लाइट वो भी आपको LED देखने के लिए मिलेगी। बाकी अभी जो टर्न सिग्नल लैंप्स है वो भी आपको LED ही देखने के लिए मिलेंगे। ट्यूबलेस टायर्स होने वाले हैं, इसमें आपको अलॉय देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है, रियर में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है, का ब्रेकिंग भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ओवरऑल बाइक में बहुत सारे तगड़े फीचर्स आने वाले हैं, तो ये वर्थ ऑफ मनी होने वाली है बाइक। आप आंखें बंद करके ले सकते हो इस बाइक को, क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि बजाज की जो बाइक होती है वो पावर के मामले में प्लस लॉन्ग लास्टिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, प्लस जो बजाज की जो सर्विसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल जैसे कि आपको बताया कि बजाज की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है इंडियन मार्केट के अंदर, प्लस जो भी ओवरऑल वो बाइक निकालता है अपनी, जैसे कि उसकी NS सीरीज़ है, RS सीरीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। कम्फर्ट के मामले में, चलाने के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में बाइकें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ओवरऑल मेरा तो थम्स अप है इस बाइक के लिए। मैं तो बहुत जल्दी वेट कर रहा हूँ कि इसे मैं इंडियन रोड्स पे देखूँ। लोग इसे बहुत जल्दी बाय कर लेंगे जितना मुझे पता है, बजाज के बहुत अच्छे फैंस हैं। चलिए गाइस, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और आप वीडियो को इतने लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है जब आप चैनल को